ये बहुत तेज़ी से विद इन 10 सेकेंड्स ये गाड़ियाँ चुरा लेने जाने में सफल होते हैं। बाइक बेचने पे जो रुपए मिलते थे उसमें अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए महंगे कपड़े और मोबाइल फ़ोन इत्यादि की भी व्यवस्था करते थे, जिसके कारण लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये मास्टर कीज का इस्तेमाल करते थे। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए रविवार को सिविल लाइंस एवं कर्नलगंज थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने गिरोह के सरगना समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। टीम ने गिरोह की निशानदेही पर चोरी की 2 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने बरामद की गई गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई है। जिला प्रयागराज में वाहन चोरियों पर लगाम लगाने के लिए SPCT दिनेश सिंह और CO के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी। बहुत मेहनत से दिन रात अथक परिश्रम करके इन टीमों को सफलता मिली है और उन्होंने ज़िला लेवल के एक बहुत बड़े वाहन चोरों के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में कुल 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इन बदमाशों के कब्जे से 24 की बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनकी मार्केट कीमत करीब 20 लाख रुपए से भी ऊपर आंकी जा रही है। ये सारी मोटरसाइकिलें यहाँ पे बरामद हुई हैं, जिसमें से 8 मोटरसाइकिलें हमारे ज़िले के थाना कीटगंज, कोतवाली, सिविल लाइंस, कर्नलगंज इत्यादि थानों से कनेक्टेड पाई गई हैं। 16 गाड़ियाँ और हैं जिनके बारे में इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर सर्चिंग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडेय ने बताया कि गिरोह का सरगना मांडा थाना क्षेत्र के पयागपुर निवासी विवेक पाल पुत्र ओम प्रकाश BSc का छात्र है। इसका सहयोगी नैनी कोतवाली क्षेत्र के ITI गेट निवासी मनीष कुमार पुत्र स्वर्गीय सूरज प्रकाश स्नातक का छात्र है, जिसने मोटरसाइकिल पार्ट की दुकान खोली थी। दोनों ने मिलकर वाहन चोर गिरोह तैयार किया। गिरफ्तार 6 बदमाश हमारे इस जिले के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 1 बदमाश जिस गैंग का सरगना है विवेक पाल, उसने BSc कर रखी है और पिक्सल लैब नामक सॉफ्टवेयर के मदद से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बना लेता है, RC भी बना लेता है और RC के साथ ही वाहनों की बिक्री गांव देहात के भोले भाले लोगों को करता है, आधे दाम से भी कम दाम पर 25 से 30 हज़ार रुपये में गाड़ियों की बिक्री करता है। कुछ गाड़ियों को ये कटवा भी देते हैं, इसके बारे में कुछ सूचना मिली है। गिरोह के सहयोग सदस्य मेजा थाना क्षेत्र के सिंकी खुर्द गांव निवासी इंद्र बहादुर पाल पुत्र मुसई पाल, इसी का पड़ोसी विजय कुमार विंद, कोराव थाना क्षेत्र के तरामवर गांव निवासी अर्जुन सिंह पुत्र रमाशंकर विंद, मांडा थाना क्षेत्र के बरहा कला गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार विंद पुत्र स्वर्गीय मिठू लाल है। उक्त गिरोह के खुलासे के लिए नगर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र यादव एवं उनकी टीम तथा कर्नलगंज थाना अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह एवं उनकी टीम दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए लगे हुए थे। CO सिविल लाइंस और कर्नलगंज की जो टीमें हैं, विनय सिंह और गोविंद हमारे जो SI हैं, सबकी मेहनत रंग लाई और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 24 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं पूरे सबूतों के साथ, जिसमें से इनके लैपटॉप भी हैं, प्रिंटर भी हैं और भी तमाम यंत्र टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं जिनकी मदद से ये फर्जी RC बनाते थे। सभी सबूतों के साथ इनको आज न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है, जहां से इनको जेल भेज दिया जाएगा। मुखबिर की सूचना पर उक्त गिरोह के सरगना समेत 6 सदस्यों को रविवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली दोनों टीमों को 25-25 हज़ार का इनाम दिया जाएगा। टीम ने चोरी की 2 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की है और 16 गाड़ियों की बरामदगी का प्रयास जारी है। इस गैंग के बारे में बहुत ज़्यादा हमको सूचनाएं मिली हैं ऐसी, जिस पे वर्क करके आगे अभी हम 12 से भी ज़्यादा बाइकों की बरामदगी कर पाने में सफल होंगे, ऐसे हमें क्लूज मिले हैं जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। इस शानदार वर्कआउट करने वाली टीम को हमने 2 टीमें लगाई गई थी, तो 25-25 हज़ार रुपये का यानी कुल 50 हज़ार रुपये का नकद इनाम हमारे द्वारा इस टीम को दिया जा रहा है। इस गैंग के पर्दाफाश से निश्चित रूप से ज़िले में वाहन चोरी की घटनाओं में बहुत कमी आएगी और निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिल सके। कब से जो गिरोह सक्रिय था? यह गिरोह सन 2020 से, जब से ये कोरोना का टाइम आया था उसमें रोज़गार वगैरह की इनकी दिक्कत आई थी, उस टाइम से इन्होंने बाइक चोरी का धंधा अपना लिया था और ये लगातार घटनाएँ कारित कर रहे थे। हालाँकि ये 2021 में पहली बार इस गैंग का सरगना विवेक पाल पकड़ा गया था और थाना नैनी से ये जेल भेजा गया था, लेकिन तब उस टाइम उसके पूरे गैंग के बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब SPCT दिनेश सिंह और CO हमारे जो अजीत सिंह चौहान हैं, इनके नेतृत्व में CO सिविल लाइंस और कर्नलगंज की जो टीमें हैं, विनय सिंह और गोविंद हमारे जो SI हैं, सबकी मेहनत रंग लाई और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 24 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं पूरे सबूतों के साथ, जिसमें से इनके लैपटॉप भी हैं, प्रिंटर भी हैं और भी तमाम यंत्र
टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं जिनकी मदद से फर्जी आरसी बनाते थे, सभी सबूतों के साथ इनको आज न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है, जहां से इनको जेल भेज दिया जाएगा। गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरोह में एक कबाड़ी भी प्रकाश में आया है। गिरोह का सरगना गाड़ियों का नकली आरसी भी तैयार करता था, जिससे चोरी की गाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने में आसानी होती थी और कीमत भी अच्छी मिल जाती थी। ये मास्टर कीज का इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर हीरो या हीरो होंडा ब्रांड की जो गाड़ियां हैं, जिनकी खपत ज़्यादा देहातों में होती है, जिनकी मांग ज़्यादा है, ऐसी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। कचहरी में, अस्पताल में, ऐसे भीड़भाड़ इलाकों से गाड़ियां उठाते थे। अमूमन ये बहुत तेज़ी से विद इन 10 सेकेंड्स ये गाड़ियाँ चुरा ले जाने में सफल होते हैं। इनका बहुत ही शातिर गैंग है जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में भी बात सामने आई कि जो बाइक बेचने पे जो रुपए मिलते थे प्रत्येक गाड़ी से 20 से 25 हज़ार, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए महंगे कपड़े और मोबाइल फ़ोन इत्यादि की भी व्यवस्था करते थे, जिसके कारण लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।